एडिशन, जिसका मतलब होता है हिंदी में जोड़। ठीक है। सब्ट्रैक्शन, जिसका मतलब होता है हिंदी में घटाना, यानी किसी चीज को आप किसी में घटा रहे हैं, जैसे दो में एक घटा रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है गुना या गुणन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको हिंदी में कहते हैं हम आरोही क्रम। ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको हिंदी में कहते हैं अवरोही क्रम। प्रोडक्ट मतलब होता है, इसको हिंदी में गुणनफल कहते हैं। ठीक है, यानी गुना होने के बाद जो फल होता है। इक्वल मतलब हिंदी में बराबर, समान, बराबर। रिमाइंडर मतलब होता है शेष, इसको हिंदी में शेष बोलो या शेष फल बोलो, बात बराबर है। डिवाइजर, इसको हिंदी में बोलते हैं भाजक, यानी भाग देने वाला। डिविडेंट मतलब भाज, जिसको आप भाग दे रहे हैं, यानी जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंट कहलाता है। सॉल्यूशन मतलब होता है हल, किसी चीज का हल। ठीक है। डाइमेंशन मतलब होता है विमा, हिंदी में विमा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो हिंदी में अनुपात, रेशियो हमेशा दो दो चीज का कंपैरिजन करते हैं रेशियो में। प्रोपोर्शन हिंदी में कहते हैं समानुपात, समानुपात। एवरेज, एवरेज मीन्स होता है हिंदी में औसत, याद रहेगा। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब हिंदी में हर, जैसे ऊपर वाले को न्यूमिरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन में जो होते हैं, जैसे न्यूमिरेटर को हिंदी में भी कहते हैं अंश, याद रहेगा। जैसे 2/3 तो 2 न्यूमिरेटर होगी और 3 डिनोमिनेटर। डिफरेंस मतलब अंतर। परिधि यानी सरकमफेरेंस, जैसे सर्कल का पूरा लेंथ को सरकमफेरेंस कहते हैं, वही आपका सर्कल का परिधि कहलाता है। सेंटर, सेंटर मीन्स होता है हिंदी में केंद्र। ठीक है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, यानी जो संख्या परिमेय नहीं होती वो संख्या अपरिमेय संख्या होती। रेशनल नंबर हिंदी में कहते हैं इसको परिमेय संख्या। ठीक है, यानी ऐसी संख्या जिसको आप p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q नॉट इक्वल टू जीरो। परसेंटेज, इसका मतलब हिंदी में प्रतिशत होता है, प्रतिशत। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, प्रायिकता हिंदी में। इंटीग्रेशन मतलब होता है हिंदी में समाकलन करना, समाकलन। पैरालेलोग्राम हिंदी में कहते हैं इसको समांतर चतुर्भुज। लाइक द वीडियो इफ यू बिलीव एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।